कॉस्टिंग का सेकंड लेक्चर है हमारा। अभी तक हम 26 क्वेश्चन इस चैप्टर में कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। एक नया कंसेप्ट है बच्चों जिसका नाम है एब्सोल्यूट वर्सेस कमर्शियल टन किलोमीटर्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, तीन पॉइंट हैं ए बी सी। ए से बी, बी से सी और सी से बी से ए वापस जाता है। एक आदमी है, एक ट्रक है, लॉरी है, वो आदमी लेके जाता है ए से सी डेस्टिनेशन, सी से बी और बी से ए। लेट से ए से सी तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहां से वो लेके गया 5 टन्स। सेम वे सी से बी तक गया 8 किलोमीटर, लेट से 7 टन्स लेकर। एंड अगेन बी से ए तक गया, लेट से 12 किलोमीटर और 6 टन्स लेकर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इसका फंडा होता है एक्चुअल में निकाल लो टन किलोमीटर डिस्टेंस डेस्टिनेशन वाइज। जैसे ए से सी तक हमारे टन किलोमीटर होते हैं 10 किलोमीटर इंटू 5 टन, उसके बाद सी से बी तक 8 किलोमीटर्स इंटू 7 टन्स, देन बी से ए तक 12 किलोमीटर्स 6 टन्स। एक्चुअल में जितना ओरिजिनली हुआ 50 प्लस 56 72, ये हो गया हमारा 178 टन किलोमीटर्स। और अगर हमें कमर्शियल निकालने हो तो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज वेट इनटू टोटल डिस्टेंस। एवरेज वेट हुआ बेटे 5 टन प्लस 7 टन प्लस 6 टन डिवाइड बाय 3 इनटू डिस्टेंस हुआ हमारा 10 प्लस 8 प्लस 12 180 10 किलोमीटर्स। क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट निकालना है, जब तक ना कहा जाए कमर्शियल नहीं निकालेंगे। पर क्वेश्चन राइज होता है कि एब्सोल्यूट इज द राइट आंसर, ये तरीका भी सही है, फिर कमर्शियल क्यों निकालते हैं। कमर्शियल इसलिए निकालते हैं कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक ट्रेन चलती है केले का पूरा कंसाइनमेंट लेके सपोज महाराष्ट्र से और जम्मू तक जा रही है, रास्ते में कई जगह पर उसने माल उतारा पर एग्जैक्टली नहीं मालूम कितने कितने किलोमीटर पर माल उतरा, पूरा डेस्टिनेशन आप लिया
महाराष्ट्र लेकर जम्मू तक का, और जो वेट था उसका एवरेज कर लिया। तो बार बार किलोमीटर नापने की जरूरत नहीं है, वेट से ही आइडिया लग जाएगा कि हमारा टन किलोमीटर कितने रहे। राइट, एक क्वेश्चन है आपके नोट्स का 19 क्वेश्चन, मैं रीडिंग कर रहा हूं आपके साथ। अ लॉरी स्टार्ट विद अ लोड ऑफ 20 टन्स गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से माल लेके चले हम कितना, 20 टन्स। अनलोड 8 टन्स एट स्टेशन बी, बी पे हमने 8 टन अनलोड कर दिया, आगे तो जाएगा वो कितना जाएगा, 12 टन, सी तक गए। इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 16 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू ए 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। सॉल्व करते हैं, पहले एक डिजाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए से माल जाता है हमारा बी तक, देन सी तक, बी तक, बी से सी तक, और बाद में सी से डायरेक्ट लौटा ए तक। ए से माल गया हमारा 20 टन, बी से सी तक 12 टन क्योंकि 8 टन अब अनलोड कर दिया, और यहां से गया 16 टन। डिस्टेंस था ए टू बी 80, बी टू सी 120 या सी टू ए 160, यही है ना 160, यस। 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। फाइंड आउट करना है हमें एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल। पहले एब्सोल्यूट निकालते हैं। ए टू बी 20 × 80 प्लस 12 × 120 प्लस 16 × 160 2560 इक्वल्स टू 5600 टन किलोमीटर्स। और अगर हम कमर्शियल निकालेंगे बच्चों, तो एवरेज वेट इनटू टोटल डिस्टेंस एवरेज वेट है 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 इनटू डिस्टेंस हो गया 80 प्लस 120 प्लस 160 इक्वल्स टू 16 इनटू 360। आंसर आया 5760 टन किलोमीटर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों, कोई कोई 5-5 नंबर के, तो इजी है करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले रहा हूं मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आयरन ओर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस ए एंड बी। आयरन ओर
A is transported from two mines, A and B, and unloaded at plot in railway station. कहता है दो माइन है हमारी ए और बी, वहां से कच्चा लोहा उठाया गया और रेलवे स्टेशन पे डाल दिया गया. ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड बी इज डिस्टेंस एट ए 15 किलोमीटर. ए से प्लेटफॉर्म की दूरी, रेलवे स्टेशन की दूरी 10 किलोमीटर है, बी से 15 किलोमीटर. अ फ्लीट ऑफ लॉरीज ऑफ 5 टन कैरिंग कैपेसिटी, एक लॉरी है जिसमें 5 टन माल आ सकता है, एक ग्रुप ऑफ लॉरी, इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ओर फ्रॉम माइंस. रिकॉर्ड रिवील दैट द लॉरीज एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक 10 मिनट्स टू अनलोड एट द रेल हेड. जो गाड़ी है वो 10 मिनट लगती है अनलोड करने में लेती है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. एट ए माइन ए लोडिंग टाइम 30 minutes per load while at mine B loading time 20 minutes. Mine A पे time लगता है आधे घंटे का 30 minutes का, mine B पे लगता है 20 minutes का. Drivers wages, depreciation, insurance, tax are found at a cost of ₹9 per hour. And fuel, oil, tire, repair, maintenance cost of ₹1.2 per kilometer. भैया दो खर्चे दिए हुए, एक per hour और एक per kilometer. Per kilometer definitely variable होगा, running item होगा, per hour standing charges. Drop a statement showing the cost per ton kilometer of carrying iron ore from each mine. हमें निकालना है cost per ton. ध्यान देने वाली बात क्या है? पहली बात, दो तरह के खर्चे हैं, एक time base और एक kilometer base. तो हमें total time भी निकालना पड़ेगा, total kilometers भी निकालने पड़ेंगे. दूसरी बात, गाड़ी आती भर के है और जाती खाली है. भाई खाली कर उतार के माल जाएगी मान तो खाली जाएगी. हमें निकालना क्या है? कॉस्ट पर टन किलोमीटर. तो पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, देन हमें टन किलोमीटर निकालने पड़ेंगे और फिर टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे टन किलोमीटर. समझते हैं बच्चों एक बार क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 17. एक चीज क्लियर कर लो कि एक ए है माइन, एक बी है. ये हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, ये 10 किलोमीटर पे है, ये 15 किलोमीटर पे है, राइट. अब हम बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ टन्स किलोमीटर ए और बी. इस तरह करेंगे बेटे स्टेटमेंट फॉर्म में तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है, प्रेजेंटेशन आपका बहुत से बेस्ट रहेगा. डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो किया इसने 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर. ऐसा क्यों बेटे? 10 जाना और 10 आना, ऐसे ही 15 आना और 15 जाना. अब पहले हम निकाल रहे हैं टाइम, किलोमीटर हमने निकाल लिए, अब टाइम और निकालना है हमें. टाइम तीन तरह के टाइम है, लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम और रनिंग टाइम. लोडिंग टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट्स और 20 मिनट्स, जबकि अनलोडिंग टाइम 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स. अब जो रनिंग टाइम निकालते हैं वो भी हम निकालेंगे मिनट्स में, क्योंकि बाकी टाइम मिनट्स में है. कैसे निकालेंगे? गाड़ी का एवरेज है 30 किलोमीटर पर आवर, मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं. 20 किलोमीटर डिवाइड बाय 30 की स्पीड इनटू 60 मिनट्स, ये आ गए हमारे 40 मिनट्स. 30 डिवाइड बाय 30
इंटू 60 ये आ गए 60 मिनट्स। टोटल टाइम 80 मिनट्स। यह आ गया हमारा 20 + 10 + 60 मिनट्स। ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 9 पर आवर 80 डिवाइडेड बाय 60 घंटों में कन्वर्ट किया इनटू 9 12 रुपीस। इधर आ गई हमारी 90 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 9 13.50। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 1.20 पर किलोमीटर कितने किलोमीटर थे इसमें हमारे 20 × 1.20 = 24 इसमें थे हमारे 30 × 1.20 = 36 टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 36 कैसे 12 + 24 एंड 13.50 + 36 = 49। अब निकालते हैं हम टन किलोमीटर्स। बेटे आने जाने के अलग अलग निकालने पड़ेंगे कि दोनों में वेट अलग अलग था। पहले हम निकालते हैं जाने के 10 किलोमीटर कितना वजन लेके 5 टन लेके प्लस 10 किलोमीटर 0 वजन लेके टोटल आ गया 50। सेम वे 15 किलोमीटर 5 टन लेके प्लस 15 किलोमीटर 0 टन लेके टोटल 75। नाउ कॉस्ट पर टन किलोमीटर्स कितनी कॉस्ट थी 36 टन किलोमीटर निकाले आपने 50 0.72 इधर आ गया बच्चे 49 डिवाइडेड बाय 75 0.66 ये 49 ही आ रहा है नहीं 49.50 आ रहा है। ये आ गया आंसर 0.6। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, एक बार दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। दो माइन थी ए और बी, ए से माल और बी से माल उतारा जाता है लेके स्टेशन पे। स्टेशन का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का और 15 किलोमीटर का है। जो कॉस्ट है उसके दो तरह की कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है और एक रनिंग कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट की रेट है 9 रुपए पर आवर, जो रनिंग है 1.20 पर किलोमीटर। तो हमें दोनों चीज निकालनी पड़ेंगी, टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और
टाइम भी तीन निकालने पड़ेंगे जिसमें लोडिंग अनलोडिंग और रनिंग टाइम। तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर था लेकिन आना और जाना तो ट्रेवल कितना किया 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। लोडिंग टाइम 30 मिनट्स का 20 मिनट्स का था, अनलोडिंग 10 मिनट्स का था दोनों माइंस पर स्टेशन पर। उसके बाद रनिंग टाइम निकाला हमने 40 मिनट 60 मिनट्स का। कैसे निकाला, डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है डिवाइड बाय 30 जो स्पीड है इंटू 60 मिनट्स हमने मल्टीप्लाई किया ताकि हम कन्वर्ट कर सकें आवर्स को मिनट्स में। टोटल टाइम हमारा आ गया 80 मिनट्स एंड 90 मिनट्स। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी आ रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है हमारी एट द रेट ऑफ 9 पर आवर 12 एंड 13.5, वेरिएबल कॉस्ट 1.20 पर किलोमीटर के हिसाब से 24 रुपये और 36 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई बेटे 36 एंड 49.50। इसके बाद टोटल किलोमीटर टोटल टन किलोमीटर निकाले हमने, जाने में जाएगी भर के मतलब स्टेशन जाएगी भर के जाएगी, लौट के आएगी तो खाली आएगी, तो भरने के 10 किलोमीटर खाली आने के 10 किलोमीटर। इस तरीके से बेटे हमारा टन किलोमीटर निकल के आए 0.72 एंड 0.66। तो ये आज की क्लास हो गई बच्चे, कंप्लीट करिएगा इसको होमवर्क को।